हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वही आज का दिन ना बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत भयंकर, और वो आपको पता लग जाएगा क्यों होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे एक बड़े भाई हैं सैम भाई, जिनका चैनल है वेंचर ऑन रोड। मैंने लास्ट में भी डाला था एक बार कि भाई के चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो। और तो आज उन्होंने ना बहुत खतरनाक काम कर दिया। पता है कितना खतरनाक काम कर दिया है? कितना कर दिया नवनीत? बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा ना, इतना खतरनाक कर दिया, बस आज सरप्राइज हो गया। आर पार का काम कर दिया आर पार का भाई। तो भाई बस मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कर दिया है, और हमें तो बहुत ही खुशी है कि भाई ने इतना बढ़िया काम कर दिया है। और पहले मिलवाए तो इससे तो मिली लिए नवनीत से, और ये अपने भाइयों से मिलो आप। तो भाई घर से निकल चुके हैं और सारे भाई इकट्ठे हो चुके हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं सैम भाई। सैम भाई का ये लगा लो आप, कम से कम एक डेढ़ घंटे से फोन आ रहा है, कहाँ रह गए। बट थोड़ा सा हम लोग कुछ काम में बिजी थे और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला, बट अब बस पहुँचने ही वाले हैं और आपको चल के दिखाते हैं कि क्या हैपन होने वाला है, क्या हैपनिंग आगे व्लॉग में होने वाली है। मजा, तो बस घर से निकल गए हैं, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। इंतज़ार करो और वीडियो को देखते रहो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और भैया कहाँ गए? भैया हमारा वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हमें। ये आ गए हम। ओहो, लोगो भी चेंज कर दिया अब तो, बोर्ड पे भी देख रहे लोगो, बोर्ड पे भी चेंज हो चुका है। खड़े हैं हमारे भैया, ये वेट कर रहे हैं काफी देर से हमारा। हेलो सैम भैया, क्या हाल है भैया? रुको गाड़ी लगा दो जरा, सब करके इसको अंदर खड़ी कर दो यहीं पे, लगाया रुको। तो भाई भैया की खुशी अलग ही झलक कर आ रही है, अलग ही मतलब चेहरा खिलखिला रहा है। तो बस जरा हम भी अपनी गाड़ी लगा दें और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जलवा। ये खड़ी भैया की पुरानी गाड़ी, ये दी वेंचर ऑन रोड। तो भाई लगा दिए गाड़ी साइड में और आ गए हैं सैम भाई से आपको मिलवाना वालों में। यहाँ देख लो, नई नई गाड़ियाँ खड़ी है, ये देखो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और पता है क्या, सैम भाई से मिलो आप। क्या हाल है भैया? कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत भैया। गाइस को बताओ, आपने वो लाल वाली स्कॉर्पियो ली है ना? हाँ, वो लाल वाली भाई, ये लाल वाली स्कॉर्पियो ली है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ भैया, लाल वाली स्कॉर्पियो, इसको पीली करा देंगे, इसको कराएंगे पीली अब, ठीक है। और उसके ऊपर तो भाई आपको मैं रियल बताता हूँ, आओ भैया। रियल सैम भैया ने ली है बहुत खतरनाक चीज, और उस खतरनाक चीज को दिखा दूँ। ये गाड़ी, तो भैया ने लिए भाई थार, और थार में कर देंगे मजा आर पार। तो भैया ने ले ली थार। मैं तो कह रहा हूँ हर नौजवान के पास थार होनी चाहिए। फोर लिए भैया ने मैनुअल, ये बहुत बढ़िया करा, ऑटोमेटिक नहीं ली, क्योंकि यार हिल्स वगैरह पर ना ऑटोमेटिक में इतना मजा नहीं है, जो मैनुअल में मजा आता है ना अलग ही। मैनुअल का मैनुअल ही है। तो डीजल वेरिएंट लिया भैया ने, ये नवनीत आ रहा है चेक करने इंटीरियर में क्या हो रहा है, और तो लोगो भी चेंज हो गया, इंजन चेक करने है, इंजन चेक करना है, चेक इंजन करने की है डीलर। तो लोगों भी चेंज कर दिया इसका, बढ़िया बना दिया अब तो महिंद्रा का, और एक नंबर का ये सब अभी चेंज करा देंगे, इसमें मर्सिडीज वाली लगवा देंगे। हैं, क्लच ओके है, कर दें डील डन, ले लें फिर फाइनल कर दें। इंटीरियर भी प्यारा है इसका, पूरा ब्लैक ब्लैक अंदर से है ना, एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको न्यू थार के लिए, आपकी न्यू बीस्ट के लिए। मार्केट में आपने लगा दी आग पूरी, बहुत तगड़ी आग लगा दी आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, एक चेंज है अपना ऑफ रोडिंग की तरफ, मैं एक और स्टेप लिया कि हाँ ब्रीजा नहीं कर सकते। नहीं, आप मेरे से बार बार कहते थे ब्रीजा से ऑफ रोडिंग करूंगा ऑफ रोडिंग करूंगा, तो उससे एक बार हो नहीं पाया, गुस्से में इसे लिया है आप? नहीं ऐसा नहीं था, बट जो स्पीति वाला था ना वो आप भी जानते हैं, ब्रीजा ऑफ रोडिंग ठीक है, जो स्पीति वाली अब जो स्नो में रहेगी ना वो नहीं कर पाएगी। जो आप अगस्त या उसमें जाओ तो स्पीति चली जाएगी ब्रीजा, बट इस टाइम अब जो पॉसिबल, क्योंकि अब विंटर्स आ रही है, विंटर्स में आप बनाओगे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग तो सारी जगह ब्रीजा जा नहीं पाती, नहीं, सारी जगह जाएगी, अभी सारा हर जगह ये रहेगा, सारा जगह इसका 4x4 चलेगा। अरे चलाते चलाते जब आप धीरे धीरे चलाओगे ना सब आ जाएगी, और भाई विंटर्स में आप बढ़िया बढ़िया ब्लॉग के लिए रेडी रहना, क्योंकि भैया आप लगाने वाले आग। और भैया एक बात बताऊं, न्यू ईयर तक ना भैया के 1 मिलियन करा दो, 1 मिलियन नहीं तो आधे ही करा दो, इसके करा दो कुछ तो कराओ, हाँ बढ़ते रहो बस। पता क्या, हमारे ना जो सब्सक्राइबर हैं और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो कभी कभार भूल जाती है कि हमारी वीडियो को पूरी देखे, लाइक करे, शेयर करे, स्किप करके कर देते हैं वो, तो भाई ऐसा काम मत क्या करो, बहुत बढ़िया काम कर दो, बहुत मेहनत होती है, बस बहुत ज्यादा मेहनत के साथ सब कुछ लगता है उसमें हमारा, बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भैया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ये हमारा छोटा भाई दीपक, स्पेशल थैंक मैं जैकी जी, मिठवा वाला भाई था अपना आशुता, परेश ग्रेवाल और सारे भाई, और स्पेशली हमारे भाई थे जैकी जी, नाम बताइए भाई का नाम था, पुलकित भाई, नवनीत कह जाऊं कहीं मैं हमारा नवनीत भाई, और शंभू भाई और नवनीत भाई, बहुत बहुत थैंक यू, शुभांकर है मेरा, ये रहा छोटा भाई, सारे भाई आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और भाई स्पेशल दुबई था है भाई, इस गाड़ी की दिल्ली उतारने के लिए, क्या बात है क्या बात है, और यो मैंने छेड़ा था सारी, वो मैं पता अगले ब्लॉग में बता दूंगा, पर्सनल बताओगे आप है ना, पर्सनल रिव्यू, चलो ख्याल रखो। फाइनली डिलीवरी हमारी हो चुकी है डन, और बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई, आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भैया को, कॉन्ग्रेट्स करना भैया को बहुत ज़्यादा, मैं डिस्क्रिप्शन में भैया की आईडी का लिंक डाल रहा हूँ उनके चैनल का, और फुल सपोर्ट कर दो भाई, शेयर मार देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में वेंचर ऑन रोड सैम भैया का चैनल जो है उसको भी मैं डाल रहा हूँ, उसको भी जाके भाई बहुत प्यार दिखा दो अपना, जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दो उसे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय गाइस।